भंडारा के कृषि उपज मंडी के सभापति उपसभापति चुनावों में एंड मौके पर कांग्रेस समर्थित पैनल के संचालक ने भाजपा में प्रवेश कर सभापति पद हासिल किया। वहीं उपसभापति पद शिवसेना शिंदे गुट के कब्जे में आया। एक संचालक के भाजपा में प्रवेश से कांग्रेस का 15 वर्षों से गढ़ मानी जाने वाली कृषि उपज मंडी गंवानी पड़ी। सभापति पद पर भाजपा में गए विवेक नखाते तथा उपसभापति पद पर शिंदे गुट के नामदेव निम्बाते का चयन किया गया। इस समय भाजपा नेता तथा पूर्व मंत्री डॉक्टर परिणय फुके, पूर्व विधायक बालक आशीर्वाद, विधायक नरेंद्र भुंडेकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता राजेंद्र जैन, सुनील फुंडे, शिशुपाल पटले, शिवराम गिरेपुंजे आदि उपस्थित थे। भंडारा कृषि उपज मंडी में 18 में से 9 संचालक कांग्रेस समर्थित तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस, भाजपा व शिंदे गुट के 6 संचालक व 3 निर्दलीय संचालक चुनकर आए थे। चुने गए तीनों निर्दलीय संचालकों ने राष्ट्रवादी, भाजपा, शिंदे गुट को समर्थन दिया, जिससे दोनों की संख्या 9-9 हो गई। बहुमत के लिए एक संचालक के समर्थन की आवश्यकता थी। एक संचालक के समर्थन के लिए प्रत्येक पैतरे आजमाए गए। अतः 15 वर्षों से कांग्रेस के सभापति रहे रामलाल चौधरी गुट के विवेक नखाते ने ऐन समय पर भाजपा में प्रवेश किया, जिससे रामलाल चौधरी के पास 8 संचालक एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस, भाजपा, शिंदे गुट के पास 10 संचालक थे। सोमवार को सभापति व उपसभापति के चुनाव हुए। सभापति पद के लिए कांग्रेस समूह से रामलाल चौधरी तथा राष्ट्रवादी, भाजपा, शिंदे गुट से विवेक नखाते तथा उपसभापति पद के लिए कांग्रेस गुट के नितिन कडाव एवं राष्ट्रवादी, भाजपा, शिंदे गुट के नामदेव निम्बाते चुनावी मैदान में थे। सभापति चुनाव में विवेक नखाते ने 10 वोट तथा रामलाल चौधरी ने 8 वोट लिए। उपसभापति चुनाव में नामदेव निम्बाते ने 10 वोट तथा नितिन कडाव ने 8 वोट प्राप्त किए। नामदेव निम्बाते विजयी हुए। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।